हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग अपने आरओ यूज़ कर रहे होंगे। आजकल ये कॉमन है, ज़्यादातर सब घरों में मिलता है आरओ, वाटर प्योरीफायर। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप आरओ के अंदर SMPS पावर सप्लाई का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है मुझे, देखिए मेरे यहाँ भी एक आरओ है, ठीक है, और पुराना हो चुका है आरओ। तो कई बार क्या होता है कि उसके अंदर मैं अब तक 4 से 5 पावर सप्लाई यूज़ कर चुका हूँ। जो आरओ के साथ एडाप्टर आता है, आप देख सकते हैं इसके अंदर भी एक एडाप्टर लगा हुआ है। इस तरीके का एक पावर सप्लाई आरओ के अंदर होती है, ठीक है। तो इस तरीके की पावर सप्लाई जो है वो मैं 4 से 5 बार यूज कर चुका हूँ। तो देखिए, हाँ, मैंने कुछ इमेजेस ओपन की हुई हैं। ये इस तरीके की पावर सप्लाई होती है आरओ के अंदर, आपके आरओ के अंदर भी लगी हुई होगी। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि चलती नहीं है ज़्यादा समय तक। रीज़न क्या रहता है कि ये अक्सर मॉइस्चर की वजह से, पानी गिरने की वजह से, या कोई भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये फुक जाती हैं। अब तक मैं भी अपनी पावर सप्लाई जो है 4-5 आरओ के अंदर बदल चुका हूँ, और ये बहुत कॉस्टली पड़ती हैं। अप्रोक्स 200-250 रुपये से स्टार्ट होती हैं, और इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, बहुत बहुत महंगी आती हैं, ठीक है। तो ये चलती नहीं है, मेन बात ये। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कंप्यूटर की पावर सप्लाई आरओ के अंदर, चाहे किसी भी कंपनी का आरओ हो आपका, आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपका आरओ का सिस्टम 24 वोल्ट लेता है, ठीक है, आपके एडाप्टर के ऊपर लिखा हुआ होगा, जैसे आप इस पे भी देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है आउटपुट 24 वोल्ट DC 2.5 एम्पियर। तो अगर आपका आरओ का सिस्टम 24 वोल्ट पे चलता है, तो आप किस तरीके से SMPS का यूज कर सकते हैं अपने आरओ के अंदर, और अपने आरओ को और ज़्यादा सेफ बना सकते हैं, ठीक है, अपनी मशीन को और ज़्यादा सेफ बना सकते हैं। तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो मैं आपको एक बकायदा एक वीडियो दिखाऊंगा अभी, जो मैंने बनाई है अपने मोबाइल से बनाई है, ठीक है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से पावर सप्लाई का यूज़ कर रहा हूँ अपने आरओ सिस्टम के अंदर, और जो है वो प्रॉपरली काम भी कर रही है, और आपको किस तरीके से यूज़ करनी है पावर सप्लाई। तो उससे पहले, वो वीडियो दिखाने से पहले, मैं आपको इसके कनेक्शन समझा देता हूँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप पहले कनेक्शन समझ लीजिए कि कनेक्शन करना किस तरीके से है पावर सप्लाई का आरओ सिस्टम के अंदर, और उसके बाद में आप वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहले हम कनेक्शन पे आ जाते हैं। तो हमें टोटल 24 वोल्ट चाहिए होते हैं अपने आरओ के अंदर, 24 वोल्ट DC, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों। देखिए, मैंने यहाँ पर एक इमेज निकाली हुई है गूगल से। इसमें टोटल आपको बताया गया है कि किस पिन पे, किस कलर के पिन पे, यानी कि किस कलर के वायर पे आपको कितने वोल्ट मिलते हैं SMPS के अंदर। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 12 वोल्ट हैं मैक्सिमम, ठीक है। मैं आपके साथ टाइम नहीं लूंगा, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा इस वीडियो को। तो ये 12 वोल्ट हैं मैक्सिमम, और स्टार्ट जो है वो 3.3 वोल्ट से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए, मेन पहले आपको कनेक्शन में समझा देता हूँ, आरओ में कनेक्शन आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले हम अपने SMPS को ऑन और ऑफ करने का कनेक्शन करेंगे। तो आपके आरओ में कुछ इस टाइप का फ्लूट लगा हुआ होगा, इस तरीके का स्विच होता है, नॉर्मली हर आरओ में होता है, ठीक है। एक इस तरीके का फ्लूट अंदर टैंक में लटका हुआ होता है, और ये ऑन ऑफ स्विच होता है। इसका बस यही काम होता है, जो सप्लाई होती है उसको ऑन करना और ऑफ करना, इसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं होता। और मोस्टली जो कंपनी होती है, वो इसके अंदर डायरेक्ट आपके यहाँ जो करंट आता है 240 वोल्ट या 220 वोल्ट वो देती हैं, यानी कि AC करंट देती हैं, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो आपको क्या 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 करना है कि इसके अंदर अपने यहाँ जो आपके यहाँ एडाप्टर वगैरह है, अगर ख़राब हो चुका है या आप नया लगाने वाले हैं, तो आप अगर आप नया लगाने वाले हैं तो आप SMPS लाइए। तो इसके अंदर आप देखेंगे दो कनेक्शन है, जाहिर सी बात है एक प्लस है और एक माइनस है। तो आपको ये लगाने कहाँ है ये मैं आपको बता देता हूँ। दो तार निकलेंगे स्विच से सीधे सीधे, दोनों तारों को, एक तार को आपको ग्रीन में लगाना है, और एक तार आपको किसी भी ब्लैक वायर में लगा देना है SMPS के, बस बात खत्म, ठीक है। आपका SMPS ऑटोमेटिकली इस स्विच पे आ जाएगा, यानी कि जब आपका जो आरओ है वो भरेगा, पूरा भर जाएगा, तो आपका SMPS बंद हो जाएगा, और जब आपका आरओ खाली होगा तो SMPS ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस यही काम होता है स्विच का, ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना और बंद करना मशीन को। तो इस स्विच का काम खत्म, ठीक है। SMPS आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कैसा भी यूज कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। जो अगर आपका एक पुराने मॉडल का SMPS है कोई, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अब आ जाते हैं, तो दोस्तों इसमें जो ब्लू वायर होता है, ब्लू वायर पे आप देख सकते हैं आता है माइनस में 12 वोल्ट, और जो येलो है
येलो में आता है प्लस 12 वोल्ट। एक्चुअली एक सेम ऐसी वीडियो इसके ऊपर मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशली आर ओ पे बना रहा हूँ। तो हमको टोटल 24 वोल्ट चाहिए। तो आप जब ये माइनस के 12 वोल्ट ब्लू वाले और येलो के प्लस 12 वोल्ट मिलाएंगे तो टोटल आपके 24 वोल्ट मिल जाएंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मिलाने का मतलब ये नहीं है कि आप ये दोनों वायर आपस में मिला देंगे, समझ रहे हैं, ऐसा मत करिएगा वरना आपका SMPS ख़राब हो जाएगा। मिलाने का मतलब ये सर्किट में, यानी कि जब आप सीरीज पूरी करेंगे। मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, आप माइनस और प्लस लेके चलिए बस, यानी कि ग्राउंड हम ऐसे मान के चलते हैं, आप अर्थ लेके चलिए और फेस लेके चलिए। तो यहाँ जो ग्रीन है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, आपको बस दो वायर लेके चलने हैं, जो एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ठीक है, कॉमन सी चीज़ है। तो प्लस और माइनस को जब हम सीरीज पूरी करते हैं, जैसे अगर हम बल्ब में दो पॉइंट होते हैं, एक में प्लस जाता है और एक में माइनस जाता है, जब सीरीज पूरी हो जाती है तो बल्ब आपका जल जाता है। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने स्विच में लिया था, एक ग्रीन लिया था, यानी कि ग्रीन आपका प्लस है, ठीक है, और ब्लैक आपका माइनस है। तो ग्राउंड हमने माइनस जो है वो ब्लैक से लिया, और ग्रीन हमारा SMPS ऑन करने के लिए हमने ग्रीन से लिया प्लस, तो हमारा SMPS चालू हो गया क्योंकि सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गई। तो इसी तरीके से आपकी जो मोटर है उसमें दो वायर निकले होंगे, तो एक वायर आपको ब्लू में देना है, ऐसे समझिए, मोटर और आपका एक जो पानी काटने वाला स्विच होता है वो, उन दोनों में से दोनों के वायर एक जगह पे जोड़ लीजिएगा, मोटर के और स्विच के पहले से जुड़े हुए होंगे। तो एक वायर आपको ब्लू में देना है यानी कि माइनस में, और एक वायर आपको देना है प्लस में यानी कि 12 वोल्ट में। तो आपके टोटल बन जाएंगे 24 वोल्ट, यानी कि जब माइनस 12 वोल्ट और प्लस 12 वोल्ट सीरीज में मिलेंगे तो ये आपके टोटल 24 वोल्ट बन जाएंगे, और आपका जो सप्लाई है वो काम करने लगेगी, आपका जो वाटर प्योरीफायर है वो प्रॉपरली काम करने लगेगा। तो अब आप देखिए वीडियो जो मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, थोड़ी मैंने अपने कैमरे से बनाई है, मोबाइल के कैमरे से, तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आई होगी और लाइट भी कम है, क्योंकि वो स्टोर है मेरा जहाँ पे मैं पुराना सामान रखता हूँ, समझ रहे हैं, तो वहाँ पर मैंने अपना प्योरीफायर लगा दिया है, जहाँ पे पॉइंट भी अच्छा था तो इसी वजह से मैंने अपना प्योरीफायर लगा दिया है। तो वहाँ पर थोड़े से हो सकता है वीडियो आपको लो क्वालिटी की लगे, उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, लेकिन समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आर ओ है, तो आपके अभी कुछ इसी टाइप का आर ओ एक लगा हुआ होगा, ठीक है, और इनमें क्या होता है कि जो सप्लाई होती है वो आउटपुट जो होता है सप्लाई का वो 24 वोल्ट डीसी होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको अपना आर ओ दिखा देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे अभी थोड़ा गंदा हो रहा है क्योंकि इसके मैंने जो फ़िल्टर है, इसकी जो सर्विस है वो मैंने कल ही की है, तो अभी तक इसको मैंने साफ़ नहीं किया है, लेकिन ये काम प्रॉपरली कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा और दिखा देता हूँ, इधर ये देखिए इसके ये पुराने फ़िल्टर यहाँ पे रखे हुए हैं। एक्चुअली ये मेरा स्टोर है और यहाँ पर पानी का पॉइंट भी ठीक था और ऊपर आप देखेंगे सप्लाई का पॉइंट भी सही था, तो मैंने यहाँ पर ये आर ओ सेट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें है क्या कि ये लाइन जा रही है, आप देखिए मैं पानी भी वेस्ट नहीं करता हूँ, पानी इसमें स्टोर करता हूँ जो वेस्टेज होती है, तो ये पानी बहुत काम आता है, जैसे कि बाहर मेरे यहाँ पौधे लगे हुए हैं उनमें लगाने के लिए पानी काम आता है। इसके अलावा इसको नहाने में भी यूज़ कर सकते हैं और कपड़े धोने में भी कर सकते हैं। ये पानी बहुत साफ़ होता है जो वेस्टेज में निकलता है, पानी बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, क्यों, क्योंकि आप देखिए कि ये कई फिल्टरों से होके निकलता है पानी, ठीक है, तो ये नॉर्मल पानी से ज़्यादा साफ़ पानी होता है। खैर चलिए पॉइंट पर आ जाते हैं, तो आप देखेंगे इसमें, आप देखेंगे यहाँ मेरे इसमें कोई भी सप्लाई नहीं लगी हुई है, ठीक है। ये देखिए पीछे से चार वायर आ रहे हैं, ये एक्चुअली फोर वायर हैं, एक के अंदर दो हैं, तो ये चार वायर हैं टोटल, ठीक है। और देखिए इसकी पुरानी सप्लाई ये है, तो कुछ इस टाइप की आपकी सप्लाई होगी जो ख़राब हो गई होगी या आपको ऐसी सप्लाई से इशू आता होगा। ये जो ओरिजिनल सप्लाई होती है वो ही थोड़ा सही चलती है, और उसके बाद जो है अगर आप मार्केट से अगर ऐसी सप्लाई खरीदेंगे सब तरीके की रेंज में आती हैं, 250 रुपये तक की भी मिल जाएगी, 500-600 रुपये तक की भी मिल जाएंगी, बहुत रेंज होती है इन सप्लाई की, लेकिन बेसिकली ये रहता है इनकी लाइफ नहीं होती, ये बहुत से रीजन से ख़राब हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जो आपका सिस्टम होता है, जो आपका आर ओ है अंदर से, उसमें लीकेज हो जाती है, सप्लाई पे पानी गिर जाता है, तो बहुत से रीज़न होते हैं सप्लाई ख़राब होने के। आप देखेंगे इसके ऊपर भी पानी गिरा है, ठीक है, जिसकी वजह से सप्लाई ख़राब हो गई है। तो देखिए मैंने यहाँ पर SMPS लगाया हुआ है, ऊपर हाइट पे है, मैं आपको ऊंचा करके दिखा देता हूँ। ये मेरा एक पुराना आर ओ रखा हुआ है एक्वागार्ड का, जो अभी यूज़ नहीं हो रहा, ख़राब है, ठीक है। और ये आप देखेंगे सप्लाई है, और ये सप्लाई का सीधे जो है कनेक्शन
यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो इस सप्लाई से ये वायर आ रहे हैं इसके अंदर, और ये वायर मैंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। तो मोटर में 24 वोल्ट जा रहे हैं अभी SMPS से। इसके अलावा मैं आपको RO में एक चीज़ और बताता हूँ कि RO में क्या होता है ना, जितने भी आपके यहाँ RO लगे हुए हैं इस तरीके के, इनके अंदर एक रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है कि ये जो पॉइंट होता है ना, कट करने वाला, पावर कट करने वाला ये जो पॉइंट होता है जिसमें फ्लूट लगा हुआ होता है अंदर, इसमें ज़्यादातर जो कंपनी होती हैं वो डायरेक्ट AC करंट देती हैं, यानी कि डायरेक्ट होता है वो, आपके यहाँ कितने भी वोल्टेज आ रहे हैं वो डायरेक्ट AC होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। रिस्की कैसे, आप ऐसे समझिए कि कई बार क्या होता है भाई, अब ये RO है, कई रीज़न से मान लीजिए इसकी मेम्ब्रेन अगर लीक हो गई, किसी भी रीज़न से कोई फिल्टर लीक हो गया, तो इसके ऊपर पानी गिर सकता है यहाँ पे, और कई बार गिरता भी है बहुत से RO में। तो आप सोचिए कि इसमें डायरेक्ट करंट चल रहा है 220 वोल्ट या जितने भी आपके यहाँ वोल्टेज आते हैं वो भी AC, और इसके ऊपर पानी गिर रहा है, और उससे आपके RO के अंदर जो है करंट आ सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, ठीक है ना। खासतौर पर अगर आप किचन वगैरह में आपने RO लगाया हुआ है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो SMPS लगाने का फ़ायदा ये है RO के अंदर कि अभी इस RO के अंदर कहीं से भी डायरेक्ट AC करंट नहीं है, ठीक है। इस RO के अंदर कहीं से भी डायरेक्ट AC करंट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ DC आ रहा है, और वो भी कुछ वोल्ट का आ रहा है, यानी कि मोटर को जो चाहिए होता है 24 वोल्ट वो आ रहा है, और वही SMPS से इसके अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अभी कहीं पे भी AC करंट नहीं जा रहा है। तो SMPS लगाने का दोस्तों ये भी फ़ायदा है आपको कि SMPS अगर आप यूज़ करेंगे, कंप्यूटर का अगर आप SMPS यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। देखिए, पानी जहाँ पर हो वहाँ पर डायरेक्ट करंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों की आप समझ सकते हैं मेल कहीं पे भी दोनों का होता नहीं है। अगर पानी है कहीं पे, मॉइस्चर है, और वहाँ पर अगर आपका कहीं पे डायरेक्ट करंट चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है और ख़तरनाक है, ठीक है ना। तो SMPS यूज़ करने से ये वाला जो इशू है, हमारा जो रिस्क है, ये भी ख़त्म हो जाता है RO के अंदर। और मैं आपको दिखा दूँ ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अभी देखिए RO ये भरा हुआ है पूरा, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे ही खाली होगा ऑटोमेटिकली SMPS ऊपर ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद ये RO जो है चलने लगेगा। अभी ये पूरा भरा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ से क्या करता हूँ, ये इसका मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने पाइप निकाल दिया आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई अगर मैं आपको चला के नहीं दिखाऊंगा तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये फेक वीडियो है या इसमें SMPS काम नहीं करता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि SMPS प्रॉपरली काम करता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसको निकाल देता हूँ ताकि ये स्टार्ट हो सके। अभी आप देखेंगे चल नहीं रहा है, बंद है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा पानी निकाल दिया ताकि स्टार्ट हो जाए। तो देखिए ये चल गया, ये देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, स्टार्ट हो चुका है मोटर, अभी वाइब्रेट कर रही है। और आप यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पानी आने लगेगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से पानी आने लगा, ये देखिए। तो ये प्योर फिल्टर्ड वाटर है जो यहाँ से अभी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो SMPS है वो प्रॉपरली जो है वो काम कर रहा है। इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता आने में, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा मैंने ये फ़िल्टर उठा दिया है ऊपर इसीलिए। तो आप देखेंगे पानी जो है वो आने लगा है, और आप देखेंगे बहुत सही क्वांटिटी में पानी आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो SMPS प्रॉपरली जो है वो काम कर रहा है RO के अंदर। तो आप इस तरीके से SMPS का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपने देख ली है, और आपको वीडियो पसंद आई, और आपको समझ में आ गया कि आप किस तरीके से पावर सप्लाई जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने RO सिस्टम के अंदर, ठीक है। यानी कि आपको अगर 24 वोल्ट चाहिए तो आप किस तरीके से पावर सप्लाई से DC में ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।